नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडू केयर में। दोस्तों, खोरठा वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये ऑफिशियल आया है दोस्तों, ठीक है। और ये खुशखबरी है कि खोरठा का जो सिलेबस है दोस्तों, JSSC CGL के लिए, ठीक है, JSSC CGL के लिए जो खोरठा का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा था दोस्तों। तो खोटा भाषी जो हैं, खोटा के विद्वान लोग जो हैं, इन्होंने विरोध किया कि खोटा का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम कर दिया जाए। तो फाइनली दोस्तों, खोटा का जो सिलेबस है इसको कम कर दिया गया है और एक नया सिलेबस, खोटा का संशोधित सिलेबस जारी कर दिया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, ग्रामर पोर्शन है कि नहीं, तो सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। और इसका PDF मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से टेलीग्राम से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि आज ही आया है, 27/1/2022, अभी अभी जस्ट आया, जैसे ही आया है वैसे मैंने अपलोड करा है वीडियो को, ठीक है। तो अगर आप लोग पाना चाहते हैं इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर खोटा का सिलेबस आपका कुछ इस तरह से है दोस्तों। गद्य साहित्य में आपको पढ़ना है छाईहर, ठीक है, कहानी संग्रह, लेखक चित्रंजन महतो चित्रा, और इसमें दोस्तों तीन ही कहानी पढ़ना है, ठीक है। गद्य साहित्य जो कहानी संग्रह है इसमें 10 कहानी था टोटल, लेकिन अभी इसमें तीन ही कहानी पढ़ना है, छांट के, छाईहर, बोनेक लोर, हम कैसे जी अब, ठीक है, नहीं है। और गद्य साहित्य में देखिए यहाँ पर ख में तो सोंध माटी है आपका कहानी संग्रह, इसमें से आपको तीन कहानी पढ़नी है, केवल तीन कहानी, ठीक है। और तीन कहानी कौन है, उबार है, ओद दीदा है और हूब है, ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है ये कहानी गद्य साहित्य में। और यहाँ पर देख लीजिए, खोटा निबंध पढ़ना है, निबंध संग्रह, यहाँ से आपको तीन निबंध पढ़ना है, डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है ये कहानी संग्रह, ठीक है। सोबटाई चले हैं हम इनके संस्कृति, आर्तकरों पर संकट, हमें खड़ा हूँ, तो ये तीन चीज़ें पढ़नी हैं। एक नाटक पढ़ना है आपको, ठीक है, नाटक का नाम है अजगर और लेखक हैं इसके विश्वनाथ धसौंदी राज। पद्य साहित्य की बात करें दोस्तों, तो पद्य साहित्य में आपको दामोदरक कोराएं पढ़ना है, दामोदरक कोराएं, इसका सिर्फ खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। खंड काव्य में यहाँ पर ये जो कवि हैं दामोदरक कोराएं के शिवनाथ परमाणिक जी हैं, और इसके केवल 2 सर्ग पढ़ने, छांट करके, मेला और संरक्षी कमल, ठीक है। ध्यान से तैयारी कीजिए, सिर्फ आपका जो सिलेबस में जो कंटेंट है सिर्फ उसी को पढ़िए। आंखिक गीत कविता संग्रह में आपको पढ़ना है, ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी का है। आखिरी गीत में आपको यहाँ पर केवल 5 कविता पढ़ना है, कविता संख्या 1, 10, 22, 33 और 51। फिर आपको पढ़ना है खोरठा काठे पैदे खड़ी, इसमें भी 3 कविता पढ़ना है आपको, ठीक है, इके झा जी के द्वारा लिखा गया है, चनफन मानुष स्वागत लौतन जुगुत भावत, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको साहित्य की अन्य विधाएँ में आपको जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत में यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। जीवनी पढ़ना है शेख भिखारी जी का, ठीक है, लेखक हैं पारसनाथ महतो, बड़का बुजुर्ग बिरसा, लेखक हैं एके झा। और संस्मरण में आपको 2 संस्मरण पढ़ने हैं, बोरवा अड्डा अखई बोर, लेखक हैं शांति भारत, ठीक है, उड़ गेल फुलवा रह गेलक बाँस, लेखक है गोविंद महतो जंगली। यात्रा वृत्तांत की बात करें, दार्जिलिंग आर गंगतोतेक यात्रा, लेखक डॉक्टर चतुर्भुज साहू। व्याकरण पोर्शन अगर एड किया गया है यहाँ पर, व्याकरण एवं खोरठा पादबोध में आपको खोरठा संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन काल कारक समास उपसर्ग प्रत्यय अप्रत्यय गद्यांश के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। लोक साहित्य भी एड किया गया है, केवल प्रकीर्ण लोक साहित्य से खोरठा लोकोक्ति मुहावरे और पहेलियाँ भी रहेंगी, ठीक है। विज्ञापन एवं विवरणिका की शेष शर्तें जो है यथावत रहेगी। तो ये जो सिलेबस जारी कर दिया गया है ये तो आप लोगों को पहले ही पता था कि होने वाला है, लेकिन ऑफिशियल रूप से कोई ऐसा अपडेट नहीं आया था, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो बहुत सारे जो लोग थे और मैं भी कंफ्यूज था कि जब तक से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए फिर मान कैसे ले, तो फाइनली आ गया है, ठीक है। तो चलिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।